नमस्कार दर्शकों, आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 4 मई 2024 दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के महत्वपूर्ण समाचार आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक एवं धर्मशाला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। याचिकाकर्ता सुधीर शर्मा के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इससे सुधीर शर्मा की छवि को गहरा आघात पहुँचा है, लोगों में उनकी छवि खराब की जा रही है। इसको लेकर सुधीर शर्मा ने उच्च न्यायालय में मानहानि का दावा दायर किया। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने की। अदालत ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय देना सही नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार को बारिश, अंधड़ और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। रविवार से धूप खिलने की संभावना है। 7 से 9 मई तक दोबारा प्रदेश में कई जगह मौसम बिगड़ने के आसार हैं। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश जगह हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार देर रात से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलने की संभावना जताई है। शनिवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, कांगड़ा, शिमला व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। 5 और 6 मई को उच्च पर्वतीय जिलों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में धूप खिली रहने का अनुमान है। शुक्रवार को प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने किया ठंडी वादियों का रुख, वीकेंड पर शिमला आने वाली ट्रेनें पैक। मैदानी राज्यों में तपिश और लू से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों का रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक से बड़ी संख्या में पर्यटक हिल्स क्वीन शिमला पहुंच रहे हैं। पिछले वीकेंड के मुकाबले इस वीकेंड पर ज्यादा सैलानी रेल मार्ग से शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटन नगरी सैलानियों से गुलजार है। वहीं कालका शिमला रेल मार्ग पर भी सभी ट्रेनें पैक हैं। रेलवे की ओर से सैलानियों की सुविधा के लिए 60 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा सैलानियों की डिमांड पर रेलवे हॉलीडे स्पेशल, विशेष और चार्टर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस वीकेंड पर सैलानियों ने 4 ट्रेनें बुक करवाई हैं। शिमला में संदिग्ध हालात में टैक्सी चालक की मौत, शव हीटर पर गिरा हुआ मिला। राजधानी के छोटा शिमला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में हीटर पर मृत पड़ा मिला। इसकी पहचान कृष्णचंद, उम्र 53 वर्षीय, निवासी कसुमटी के तौर पर हुई। कृष्णचंद कई सालों से किराए के कमरे में अकेले रह रहा था। इसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक उसकी जलने के कारण मौत हुई। हादसा छोटा शिमला थाना के अंतर्गत उपनगर कसुमटी में पेश आया। कृष्णचंद अविवाहित था और कसुमटी में अकेले रहता था। गुरुवार को स्थानीय दुकानदार ने एक युवक को कृष्णचंद के कमरे में सामान छोड़ने के लिए भेजा था। उसने देखा कि कृष्ण कमरे में हीटर पर गिरा हुआ था। इस पर उसने मकान मालिक को सूचित किया और फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। ढाबे में खाना खा रहे व्यक्ति की थाली में निकला मरा हुआ कॉकरोच, सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। घुमारवी बस अड्डा के नजदीक निजी ढाबे में खाना खा रहे ग्राहक संदीप कुमार के खाने में कॉकरोच निकला। ढाबे पर ग्राहक के खाना खाने के दौरान थाली में कॉकरोच निकलने से जहां विभागीय जांच की पोल खुलकर सामने आई, वहीं ढाबों के मालिक लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका बड़ा उदाहरण देखने को मिला। हाल ही में घुमारवी में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जोरों पर था। इसके बाद विभाग हरकत में आया और कुछ एक किराना दुकानों पर जांच करके सैंपल भरे गए। अब नए मामले में ढाबे के अंदर खाना खा रहे व्यक्ति के खाने की प्लेट में कॉकरोच निकलने से फिर से लोगों में चिंता का माहौल है। शहर के बस स्टैंड पर रोजाना लंबे रूट की दर्जनों बसें खड़ी होती है। इन बसों की सवारियों सहित रोजाना सैकड़ों लोग ढाबों पर खाना खाते हैं। ऐसे में इस तरह का मामला सामने आना चिंता का विषय है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा।
केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गगल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी कहते थे डरो मत और डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं तो एक ही सीट से लड़ रहे। अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को ही न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका के लिए भी थी, लेकिन उनके लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया। यह अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। कहा कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए, उन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतजार किया। आईपीएल मैच के लिए पंजाब के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी पहुंची धर्मशाला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को पंजाब किंग्स के साथ होने वाले आईपीएल मैच के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शुक्रवार दोपहर धर्मशाला पहुंची। गगल एयरपोर्ट पर टीम के खिलाड़ियों का एचपीसी के पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशंसकों में खिलाड़ियों के साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लगी रही। यहां से खिलाड़ी सीधे होटल के लिए रवाना हुए। वहीं पंजाब किंग्स की टीम गुरुवार को धर्मशाला पहुंची थी। धर्मशाला में पंजाब और चेन्नई के बीच रविवार को आईपीएल का मैच खेला जाएगा। इसके अलावा 6 मई को आरसीबी की टीम 1 बजे गगल हवाई अड्डे पर उतरेगी। छड़ी यात्रा के साथ सिरमौर के हरिपुरधार में मां भंगायणी मेले का आगाज। संगड़ा उपमंडल में छड़ी यात्रा के साथ हरिपुरधार का मां भंगायणी मेला शुक्रवार से शुरू हो गया। नायब तहसीलदार संतोष नेगी व पूर्व चेयरमैन सही राम चौहान ने माता की छड़ी को कंधे पर उठाकर मेले का शुभारंभ किया। मेला कमेटी के पदाधिकारी समेत क्षेत्र के लोग करीब 9 बजे माता के मंदिर पहुंच गए थे। छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा जब हरिपुरधार बाजार में पहुंची तो इस दौरान भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर लोगों ने माता के जयकारे लगाए। माता के जयकारों से हरिपुरधार की वादियां गूंज उठी। आपको बता दें कि सिरमौर जिला के हरिपुरधार में मां भंगायणी मेला इस वर्ष भी 3 से 5 मई तक मनाया जाएगा। मेले में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पड़ोसी राज्यों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। मेले के समापन समारोह के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निमंत्रण भेजा गया है। कोठीपुरा में नर कंकाल मिलने से सनसनी, ये जताई जा रही आशंका। कोठीपुरा में संदिग्ध हालत में नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल नर कंकाल किसका है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने कंकाल को कब्जे में लेकर आईजीएमसी शिमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के कोठीपुरा में नाले के किनारे जब स्थानीय महिलाएं घास काटने के लिए गई तो उन्हें नाले में किसी का शव दिखाई दिया। इस बात की सूचना स्थानीय लोगों व पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाले में पड़े नर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेज दिया। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने कहा कि कोठीपुरा के नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात नर कंकाल मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आईजीएमसी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की गहनता से छानबीन की जाएगी। आज का सुविचार, हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।